everyone, welcome back to Shirish Akanksha Vlogs. I hope you all are doing absolutely fine. तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि हम लोग वॉलमार्ट गए थे एंड हमने क्रिसमस से रिलेटेड थोड़ा डेकोरेशन का सामान खरीदा एंड ऑल्सो आज हम लोगों ने अपना पुराना क्रिसमस ट्री निकाल लिया है जो कि अंदर अंदर कहीं रखा हुआ था. तो आज मैंने सोचा है कि पूरा क्रिसमस का डेकोरेशन करेंगे जितना भी है हमारे पास एंड फिर आपको दिखाएंगे कि फाइनली पूरा डेकोरेट होने के बाद कैसा लगता है. एंड अभी मुझे सोचना है कि कहाँ लगाएंगे क्रिसमस ट्री. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो ये कुछ रेड कलर के बॉबल्स है क्रिसमस ट्री के लिए एंड फिर ये कुछ ऑर्नामेंट्स है मिक्स अलग अलग टाइप के हैं इसमें. तो ये मुझे अच्छा लगा सेट, तो एक ये ले लिया मैंने एंड ये दो स्टॉकिंग्स लिए हैं तो ये भी हम टांग देंगे. एंड अब मैं ये ओपन करती हूँ बॉक्स क्योंकि इसमें कुछ सामान ऑलरेडी है एंड फिर मेरे पास यहाँ पे कुछ लाइट्स भी है तो देखते हैं कि कहाँ ये यूज़ में आती है. फिलहाल तो ये बॉक्स ओपन करते हैं. हम लोग हर साल क्रिसमस होने के बाद वापस पैक करके रख देते हैं. तो ये देखो ये ऐसा रहता है. एंड ये कुछ ऑलरेडी हमारे पास पहले का सामान है. और कुछ होगा एक बहुत इजी बस ये दो पार्ट में लगाना. तो क्रिसमस के टाइम पे बहुत सारी फैमिली का ऐसा ट्रेडिशन होता है कि वो लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ जाते हैं एक पर्टिकुलर दिन पे एंड एक्चुअल ट्री कट करके लेके आते हैं घर पे. एंड बहुत से शॉप्स पे भी रियल ट्रीज मिलते हैं एंड ऑल्सो या फिर आप ऐसा कोई एक ट्री ले सकते हो इसमें अलग अलग साइज़ के आते हैं. तो इसमें भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं. जैसे ये वाला जो है ये प्री लिट वाला है, मतलब इसमें लाइट्स ऑलरेडी लगी हुई हैं. एंड इसमें ऐसे भी आते हैं जिसमें सिर्फ ट्री होता है लाइक फेक ट्री एंड उसमें आपको फिर लाइट्स अलग से लगानी होती है. तो बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे एंड डेकोरेशंस में भी बहुत सारी चीज़ें रहती है. मतलब थैंक्सगिविंग के पहले से ही क्रिसमस की सारी दुकानें रेडी हो जाती हैं वॉलमार्ट में एंड सारे टारगेट सारे स्टोर्स में क्रिसमस डेकोरेशन की सारी चीज़ें मिलने लगती है. तो या अभी ये रेडी हो जाता है. अभी जैसे मैं एक एक करके इसको ओपन कर रही हूँ तो इसकी सारी ब्रांचेस ओपन करने के बाद एंड फिर मैं इसके जो ऑलरेडी लाइट्स लगी हुई हैं इसमें बस प्लग कनेक्ट करना होगा तो वो मैं कनेक्ट करूँगी एंड फिर आप देखना कि फाइनल आउटपुट कैसा दिखता है. ट्री तो मैंने ओपन कर दिया है एंड अब मैं इसमें ये सारे बॉबल्स लगाऊँगी. तो इसकी भी एक्स्ट्रा ऐसी पिंस मिलती है मार्केट में, ऑर्नामेंट हुक्स जिसको बोलते हैं. तो इससे काफ़ी इजीली अटैच हो जाएगा. तो मेरे पास दो कलर के, एक सिल्वर और एक रेड. तो ये ऐसे हुक रहते हैं, इसमें इसको लगाना होता है.
ये एक छोटा सा घर वाला ऑर्नामेंट है, एक घर है एंड यहाँ पे दो छोटे छोटे ट्रीज है जिसपे स्नो है, ये मैं यहाँ लगा दूंगी। इसी गाड़ी है एंड यहाँ पे ये देखो ये क्रिसमस ट्री लेके जा रहे हैं। छोटी बर्ड्स है जो मैं इंडिया से लाई थी, तो इनको भी मैं इस ट्री पे बिठा दूंगी। जिधर पेड़ है उधर चिड़िया तो आएंगी। ये बेल्स में यहाँ लगा, पहले एक्चुअली मुझे ये हटाना चाहिए, देन ये लगा के एंड स्टार लगाना चाहिए। अब मैं फाइनली अपनी क्रिसमस ट्री की लाइट्स ऑन कर रही हूँ, देखते कैसा लगता है। एंड यहाँ की भी मैं लाइट्स ऑन करती हूँ ऊपर वाली, बहुत ही सुंदर लग रहा है। एक्चुअली इसमें लाइट्स लगी हुई आई थी तो हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, वरना हमें अलग से ये लाइट्स लगानी पड़ती। Bells jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed as light. We got into a drifted bag. तो ये था हमारा क्रिसमस का डेकोरेशन, हमारा ट्री काफ़ी सुंदर लग रहा है। एंड ये आप देख सकते हैं, ये पिछले साल के 4 सॉक्स थे और ये इस साल हम लोग 2 बड़े वाले लेके आए। एक्चुअली लास्ट ईयर ही मुझे बड़े वाले सॉक्स ढूंढ रही थी मैं, बट वो मिले नहीं तो फिर मुझे छोटे लाने पड़े, एंड इस साल मुझे ये बड़े वाले मिले तो मैंने सारे लगा दिए यहाँ पे। एंड ये लाइट भी काफ़ी अच्छी लग रही है, जो हम लोग दिवाली पे लाए थे वो हमने यहाँ यूज़ कर ली, तो यह काफ़ी सुंदर लग रहा है। एंड बस अब इसके नीचे गिफ्ट्स रखने बचे तो वो तो सेंटा क्लॉज ही रखेंगे तो वो काम शरीश का है मैं सेंटा क्लॉज का बन गया तो या एंड काफ़ी सुंदर दिख रहा है। अब हम लोग का क्रिसमस वाले व्लॉग पे आप देखना, वो हम लोग के बहुत अच्छे प्लान्स हैं तो वो आपको आगे पता चलेगा। बट या अगर आपको व्लॉग पसंद आया देन डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट अक्रॉस, एंड कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगा एंड आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस वो बताइए। एंड कीप वॉचिंग, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड टिल देन बाय बाय।